बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के बाद किस तरह एक शख्स मालामाल हो जाता है, ये तो शायद ही बताने की जरूरत है। जहां सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि 90 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां रहीं, जिन्होंने 90 के दशक में अभिनेताओं को भी पीछे छोड़ दिया और इतनी ज्यादा कमाई की कि उनकी आलीशान जिंदगी देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जहां 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में कई अभिनेत्रियां आज भी बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं, तो कईयों की हालत आज गरीबों से भी बदतर हो चुकी है। और उनमें से एक अभिनेत्री तो ऐसी है जो आज गरीबी में जिंदगी जी रही है। और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 90 के दशक की 10 अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कौन है 90 के दशक की उन अभिनेत्रियों में से वो जो सबसे गरीब हो चुकी हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। नंबर 10 पर है काजोल। इस लिस्ट में नंबर 10 पर शामिल है अभिनेत्री काजोल, जो 90 के दशक की सबसे हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिसके जरिए इन्होंने खूब कमाई की थी। वहीं आज भी काजोल फिल्मों में काम कर रही हैं। साथ ही इन्होंने अजय देवगन से शादी करके अपना घर बसाया है, जो कि अपनी हर एक फिल्म में 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर लेते हैं। साथ ही फिल्मों के प्रॉफिट में भी कुछ परसेंट अपना हिस्सा रखते हैं, जिसकी वजह से आज ये बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं। नंबर 9 पर है रानी मुखर्जी। काजोल की तरह उनकी छोटी बहन रानी मुखर्जी भी उन्हीं की तरह 90 के दशक में राज कर चुकी हैं, और इसीलिए रानी मुखर्जी भी अपने नाम 120 करोड़ की संपत्ति कर चुकी हैं। वहीं इन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी की है, जो कि यशराज फिल्म्स के मालिक हैं, जिनके नाम 6000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है। और इसी के चलते आज रानी मुखर्जी फिल्मों में उतनी सक्रिय ना होने के बावजूद बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं। नंबर 8 पर है सोनाली बेंद्रे। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का भी शामिल है, जो कि 90 के दशक की सबसे मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से गिनी जाती हैं, जिनकी नेटवर्थ आज करोड़ों में है। तो वहीं इनके पति भी बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन हैं, जिनकी वजह से फिल्मों में उतना ज्यादा सक्रिय ना होने के बावजूद सोनाली बेंद्रे भी काफी ज्यादा अमीर हैं। नंबर 7 पर है ट्विंकल खन्ना। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की लाडली बेटी ट्विंकल खन्ना भी आज हमारी इस लिस्ट में शामिल है, जहां इन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ही फिल्मों में काम करने का ट्राई किया था, पर फिल्मों में ये काफी नाकामयाब रही, जिसकी वजह से फिल्मों से तो इनकी कमाई नहीं होती, पर ट्विंकल खन्ना फिल्मों को प्रोड्यूस करके काफी अच्छी खासी कमाई करती हैं। साथ ही अपने पति की प्रॉपर्टी पर भी ये खूब ऐश करती हैं। नंबर 6 पर है तब्बू। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि तब्बू बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक है, पर इसके बावजूद इस अभिनेत्री को फिल्मों में वो मुकाम नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था, और इसीलिए तब्बू को फिल्मों में उतने बड़े रोल्स नहीं मिलते हैं, जिसके चलते इनकी कमाई भी कुछ खास नहीं है। और इसीलिए ये मशहूर होने के बावजूद कुछ खास लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं जीती हैं। नंबर 5 पर है रवीना टंडन। 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदायगी से दर्शकों के दिलों में बसने वाली रवीना टंडन भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी हैं, जो आज गरीब होती जा रही हैं। आपको बता दें कि यूं तो रवीना टंडन ने काफी अमीर शख्स से शादी की थी, पर इनके पति का काम अब पूरी तरह से ठप होने को है। वहीं अब रवीना टंडन को फिल्मों में भी कोई काम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आलीशान घर में रहते हुए एक समय शौहरत भरी जिंदगी जीने वाली रवीना की हालत भी पतली हो चुकी है। नंबर 4 पर है शिल्पा शेट्टी। इस लिस्ट में एक नाम शिल्पा शेट्टी का भी शामिल है, पर एक समय में करोड़ों रुपए कमाने वाली शिल्पा शेट्टी भी आज और भी ज्यादा आलीशान जिंदगी जीती हैं। फिल्मों से दूर होने के चलते शिल्पा शेट्टी की कमाई के कुछ खास जरिए नहीं है, पर करोड़पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी करने के चलते ये आज बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं। नंबर 3 पर है अनु अग्रवाल। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म आशिकी तो आपने देखी ही होगी, जिसमें राहुल और अनु की लव स्टोरी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। और इसी के साथ फिल्म में अनु के किरदार में नजर आने वाली अनु अग्रवाल भी जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक बन गई थी, जिनके आगे मेकर्स की लाइन लगी हुआ करती थी। लेकिन आज आलम ये हो चुका है कि अनु अग्रवाल को फिल्मों में कोई पूछता ही नहीं है, इसीलिए ये लंबे समय से फिल्मों से दूर गरीबी के चलते एक काफी साधारण से जिंदगी बिता रही हैं। नंबर 2 पर है करिश्मा कपूर। 90 के दशक पर अगर किसी अभिनेत्री ने लंबे समय तक राज किया था तो वो है करिश्मा कपूर, जिन्होंने सिर्फ अभिनेताओं के साथ नहीं बल्कि अपने बलबूते पर भी कई फिल्मों को यादगार बनाया। पर इसके बावजूद करिश्मा कपूर की आज ऐसी हालत हो चुकी है कि ये गरीब अभिनेत्रियों में शामिल की जाती हैं। आपको बता दें कि अमीर बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी करने के
बाद भी करिश्मा कपूर एक काफी छोटे से फ्लैट में अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर रही हैं, जिनकी लाइफ देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। नंबर एक पर है ममता कुलकर्णी। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शामिल हैं अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने 90 के दशक में करण अर्जुन, वक्त हमारा है और क्रांतिकारी जैसी फिल्मों में लाखों करोड़ों की कमाई की थी। पर इसके बावजूद ये आज सबसे गरीब अभिनेत्री बन चुकी हैं। जी हाँ, 90 के दशक के दौरान ममता कुलकर्णी ड्रग्स के मामले में और डॉन विकी गोस्वामी के साथ फंस गई थी, जिसकी वजह से इनके साथ कोई भी काम नहीं करता था और इसीलिए आज ये बेहद गरीब हो चुकी हैं, जो गगनगिरी के आश्रम में साध्वी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई हैं। तो दोस्तों, इनमें से आपको किसकी हालत के बारे में जानकर हैरानी हुई, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।